आपकी बेटी के साथ बलात्कार होगा तो यहीं पर आकर बोलोगे? मैं काट दूंगा। बलात्कार होगा तो बोलोगे? अभी बलात्कारियों के साथ खड़े हो। आपकी बेटी को जलाकर मार दिया जाएगा, आपकी बेटियों को जलाकर मार दिया जाएगा तो क्या करोगे? क्या करोगे पहले बोलो। पीड़िता का ना कोई जात नहीं होता है। ओए होए, पीड़िता का कोई जात नहीं होता है। दिल्ली कैंट पे जाकर देखा उसकी माँ बाप की हालत क्या है? आपने मुल्ले काटे जाएंगे नारे कब लगे? बात नहीं पहले आप मेरी बात सुनो, पहले आप मेरी बात सुनो। 7 साल जो कह रही है ना, 7 साल से पहले नहीं हुआ? 7 साल से पहले टेका है मुल्ला काटे का। अगर कोई भी वीडियो है आपके पास दिखा दो, जो बोलोगे वो करूंगी। जय श्रीराम। फेथ है अल्लाह अकबर, फेथ नहीं है? अरे मैं हिंदू हूँ। जब से ये बीजेपी बनी है, जब से इनका एक तरीके स्टार्ट हुआ है, जब से तभी से ये लोग एक धर्म के खिलाफ रहते हैं। आज तक हमने वो देखा धर्म के खिलाफ चलते रहे। हमने यूएपीए में जितने भी लोग देखे वो कौन लोग थे कौन लोग नहीं थे वो सब पता है। जितने भी लोगों को अंदर यूएपीए लगाकर जेल में डाला गया है, क्या अभी भी ये जो लोग हैं जो इनके गुंडे भक्त हैं जो यहाँ पर आ गए थे, इनको वो यूएपीए लगाकर अंदर करेंगे? देशद्रोह तो ये भी है ना, देश से गद्दारी। देश में हमारे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित सब रहते हैं, तो सारी गद्दारी हुई अगर आप किसी भी धर्म के खिलाफ बोलेंगे। पर इनको वो जेल में नहीं डालेंगे, इनको वो टिकटें देंगे, इनको वो ऊंचा करेंगे, इनको आगे पहुंचाएंगे। जेल में कौन जाएगा? या तो मुसलमान जाएगा, या दलित जाएगा, या फिर जो जाएंगे कौन लोग जो इनके खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी कास्ट से आते हो, किसी से भी आते हो, फिर वो चाहे कितनी भी ऊंची हस्तियां हो। जैसे इन्होंने बहुत बड़े ऑफिसर्स को भी जेल में डाला हुआ है, और यहाँ तक कि अगर कोई इनकी गुलामी करेगा तो उनको राज्यसभा की टिकट भी दी जाएगी, ये भी हमने देखा। तो इनकी राजनीति जो ये है कि जो भी आपके खिलाफ बोल रहा है उसको मिट्टी में मिला दो, और जो भी आपके साथ गुंडा, मवाली, रेपिस्ट, जो भी आपके साथ है उसको आप टिकट दें, ऊंचा पहुंचाएं। और यहाँ तक कि जितनी भी हम बीजेपी के सारे ऊपर के सेल देखते हैं, या फिर जितनी भी इनकी खुद की मानसिकता वाले लोग रहते हैं, उनमें किसी ना किसी के ऊपर, हर एक के ऊपर कोई ना कोई केस है। कोई रेपिस्ट है, कोई बलात्कारी है, कोई मर्डरर है, हर एक ने ऐसा ऐसा केस किया हुआ। यहाँ तक कि हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अपने बाप का नाम भी, देखिए हर जगह का नाम चेंज करते हैं, अपने बाप का नाम भी चेंज ही कर दिया उन्होंने। उनके बाप का नाम था आनंद सिंह बिष्ट, उसके अंदर वो लिख रहे हैं जो इस सर्टिफिकेट जो भरा है उन्होंने, अपना इलेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है, एफिडेविट, उसमें उन्होंने अपना अपने पापा का नाम लिखा है अवैधनाथ, तो वो अपने बाप का नाम भी चेंज कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इनका स्तर जो है वो कितना गिरा हुआ है। आप जो कह रही है 7 साल से पहले ये कांड नहीं हुए हैं? 7 साल से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ है? 7 साल से पहले हुआ कि नहीं हुआ बताइए। कमलनाथ को एमपी का मुख्यमंत्री बनाया गया, बनाया गया ना कमलनाथ, रकम को जलाने वाले होते हैं। 84 कांड भक्त है, इनके कुछ कह नहीं सकते। आपकी बेटी के साथ बलात्कार होगा तो यहीं पर आकर बोलोगे? मैं काट दूंगा। बलात्कार होगा तो बोलोगे? अभी बलात्कारियों के साथ खड़े हो। कौन खड़े? बलात्कारियों के साथ खड़े हो। मेरे लिए बोल रहे हो तो बलात्कारियों के साथ खड़े हो। बलात्कारियों के साथ खड़े हो। आपकी बेटी को जलाकर मार दिया जाएगा, आपकी बेटियों को जलाकर मार दिया जाएगा तो क्या करोगे? क्या करोगे पहले बोलो। आपकी बेटियों को जलाकर मार दिया जाएगा। एक दलित लड़की, पीड़िता का ना कोई जात नहीं होता है। ओए होए, पीड़िता का कुछ जात नहीं होता है? पीड़िता कौन है? पीड़ित है, बच्ची है। अच्छा, उसके लिए सब लड़ेंगे, उसके लिए आप लड़ोगे, हम आपके पीछे। आप जैसे लोग लड़ रहे हैं उसके लिए? आए जंतर मंतर पर उस बच्ची के साथ। दिल्ली कैंट पर जाकर देखा उसकी माँ बाप की हालत क्या है? आपने कहा देखा दिल्ली कैंट में जाकर उस बच्ची की हालत क्या है? उस बच्ची का नाम बताइए, उस बच्ची की जगह बताइए, कहाँ पर रहती है? बच्ची का नाम बताओ, कहाँ पर वो बच्ची का नाम बताओ। नहीं नहीं, कहाँ पर वो बच्ची का नाम बताओ, कहाँ पर वो बच्ची रहती है? बताओ नाम, गैर कानूनी है मेरा, ये गैर कानूनी है। बच्ची रहती है? आइडेंटिटी बताओ। दिल्ली के गए ना तुम? यहाँ पर जिस मुद्दे के लिए प्रदर्शन होने आया था, सांप्रदायिक नारे लगे थे जंतर मंतर पे, क्या उसको आप सही मानते हैं? देखिए ये कोड है, ये आज का नहीं है, ये शुरू से सब करते हैं। कौन से लोग हैं? सभी नेता हैं, सभी राजनीतिक दल हैं, भाजपा के विधायक हैं, वो प्रवक्ता हैं, तो आप जो बोलते हैं ना, अगर ये बोलते हैं तो दूसरा कोई छोड़ता है। हमें, हम लोगों को सबसे पहले चाहिए ना ऐसे लोगों को बॉयकॉट कर दें। आपने नारे क्या थे? मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। मैं आपको बता देती हूँ, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, लाइव टीवी पे आपको बता रही हूँ, टीवी पे बोलने में भी शर्म आती है। उन्होंने ऐसे नारे लगाए थे, इस पर क्या कहेंगे आप? इससे पहले नारे नहीं लगाए, काटने पीटने लगे मैडम 2014 से पहले कब लगे? बात मत पलटिए ना, बात मत पलटिए। पहले आप मेरी बात सुनो, पहले आप मेरी बात सुनो। मुल्ला काटे जाएंगे नारे कब लगे? 2014 से पहले कब लगे? पहले बात सुनो, 2014 से पहले कब लगे? मैडम आपसे ज्यादा तेज आवाज है, पहले बात सुनो, पहले कब लगे? पहले बात सुनो, आपने बोला ना नारे हर जगह हमेशा
ये जो कह रही है ना, ये सारे राजनीतिक पेड़ है, सब में कचरा है, सब में कचरा भरा हुआ है। आप बताइए इसकी बात है, सबकी बात है, यहाँ जिस लिए आए हुए हैं इसका आप समर्थन करते हैं, जो यहाँ पे नारे लगे सांप्रदायिक नारे लगे उसका सांप्रदायिक नारे किसमें लगने नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। तो यहाँ पे समर्थन नहीं करते, ये पूरा इशू ही अलग है। एक बच्चे के लिए आए हैं, उसमें कोई सांप्रदायिक नहीं, ये बच्चे के लिए है ही नहीं, ये बच्चे इनको यही नहीं पता प्रोटेस्ट किस चीज पर हो रहा है, पर आप मुझसे बहस करने आ गए यहाँ पे। आपने जो बोलना शुरू किया ना, उस पर मैंने बोला क्या बोलना शुरू किया कि सात साल जो कह रही है ना, सात साल से पहले नहीं हुआ, सात साल से पहले अल्लाह काटेगा। अगर कोई भी वीडियो है आपके पास दिखा दो, जो बोलोगे वो करूंगी। सात साल से पहले तो वो लोग छोटा ओवैसी का नाम क्या है 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखाते जाके लड़े, हम केंद्र में ओवैसी की सरकार है, केंद्र में ओवैसी है क्या? अगर वहाँ से अगर कोई स्टेटमेंट देगा, केंद्र में हमारा प्रधानमंत्री ओवैसी है, केंद्र में प्रधानमंत्री ओवैसी है, वही करो मैडम, आप ये बता दीजिए ओवैसी प्रधानमंत्री है। मैडम सुनो, हाँ। अगर किसी चीज को प्रोटेस्ट करिए ना, हाँ। तो आपको चाहिए, आप कहती है वो लोग हाइपर करते हैं, वो लोग भड़काते हैं, अच्छा। तो आपको उन चीजों को रिपीट नहीं करना चाहिए, अच्छा। अगर आप जानती है किस चीज का हो रहा था, आप ये बताइए बस, आप खड़े थे, आप अगर कह रही है आप अगर कह रही है ना, उन्होंने कहा वो बोल के निकल जाएंगे, आपने उसी चीज को रिपोर्ट किया अभी माइक पर, ये भी चलेगा न्यूज पर, तो चलना चाहिए, चलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। आप सुन रहे हैं कब से ये बोल रही हैं, किस लिए आई हैं? आप जो है यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ गिरफ्तार किया जा रहा है लोगों को, ये प्रदर्शन सही है गलत है? जो लोग ये लोग आए हुए हैं प्रदर्शन से मैं दूर हूँ, क्योंकि अभी अभी कोविड के बारे में मालूम नहीं है, नहीं करना चाहिए, मतलब मोदी सरकार जो कर रही है सब सही कर रही है, इनको ये कहना चाहिए प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, प्रदर्शन सवाल सुनिए, देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, ये कहना चाहिए, रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, ये नारे लगे थे रविवार को, लगे थे किसी पागल ने लगाए, अगर कोई पागल अगर नारा लगा रहा है किसी पार्टी का, वो पागल नहीं है, वो सरकार के लोग हैं, वो पागल है, इस तरह का बोलने वाला मानसिक रूप से दीवार में है, चाहे जिस पार्टी का पार्टी के प्रवक्ता है, जिस पार्टी का भी है, उन्हीं को बचाया जा रहा है ना, उन्हीं को बचाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे विरोध करने के लिए आ रहे हैं, उनको जेल भेजा जाए इसके लिए आ रहे हैं, तो उनको तो बचा रहे हैं आप लोग यहाँ पर रोक करके, की प्रदर्शन कौन बचा रहा है सर? मैंने क्या बोला, इस तरह की जो बातें होती है ना, इतना हाइपर हो गया, मेरी बात सुनेंगे, प्रोटेस्ट करना है ना, मेरे बात सुनेंगे, घर में बैठ के मेरे बात सुनेंगे, आपको पता है रविवार को सोशल मीडिया क्या इतना जबरदस्त है? अच्छा सुनिए, आपके अंदर इतना जिगरा है, इतनी हिम्मत है, जब वो यहाँ पर नारे लगा रहे थे जय श्री राम बोलना पड़ेगा, सुनो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, तब आप ये बताइए मुझे, जब यहाँ पर बोला जाता आपके अंदर इतनी हिम्मत थी कि आप उन लोगों को रोक कर दिखा दे, जैसे आप मुझे रोकने आ गए यहाँ पे, हिम्मत है इतनी? अगर हिम्मत है तो अभी बोलिए खिलाफ कि हाँ आप जैसे जय श्री राम बुलवा रहे हैं वो सही मायने में गलत है, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने आए थे वो लोग गलत है, हाँ, तो हम उसके खिलाफ ही तो आए हैं, आपसे जबरदस्ती अल्लाह अकबर बुलवाए हम, कोई नहीं लगवा सकता, कोई नहीं लगवा सकता, जय श्री राम फेथ है, अल्लाह अकबर फेथ नहीं है, अरे मैं हिंदू हूँ, तो ये देखो आगे का बात, आप हिंदू है तो ये बोलेंगे, वंदे मातरम बोलने वाला ही देशभक्त होगा, नहीं तो फिर अल्लाह अकबर बोले तो भी देशभक्त होगा, वो जय श्री राम बोले तो भी देशभक्त होगा, उनसे देशभक्ति साबित करवाने वाली सरकार है कौन? मैंने क्या कहा, इस तरह का एक पत्रकार को पकड़ के, एक पत्रकार को पकड़ के उन्होंने बोला कि जय श्री राम बोलो, मैंने सुना था, वंदे मातरम सुनाइए ना, आप है असली भक्त, हम भक्त नहीं है, हमें नहीं आता, चलो आप सुनाइए, आप असली देशभक्त हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, आप जनगण मन पूरा सुना दीजिए, वंदे मातरम से दूर की बात छोड़िए, नहीं आता मुझे, हाँ, ये सुनना है ना, हाँ, ये तो सुनना है ना, जय श्री राम बोलेंगे तो हम देश भक्ति साबित करेंगे, सुनिए मैंने क्या बोला, जय श्री राम जो है, हाँ, इनको नहीं आता है, हाँ, इनको नहीं आता, पूरा कागज सुनाते हैं, मैडम बोलते हैं पीछे क्यों चली गई मैडम, इधर मैडम सामने आ जाओ, आप आ जाओ सामने, आ जाओ ना सामने, आ जाओ मैडम प्लीज, देखिए मैंने क्या बोला, इस तरह की बातें जो भी बोलते हैं चाहे जिस पार्टी की भी हो, चाहे पोस्ट कुर्सी बैठे हो जो हो, ये लोग पागल हैं, ये पागल हैं, और ये पागलों का बातों को लेकर सबसे, हाँ, सबसे बड़ी बात क्या पता है,
पागलों को जो इस तरह के उठपटांग जो स्टेटमेंट देते हैं ना, जो अच्छी बात कोई कोई भी नेता बोले किसी पार्टी का, वो मीडिया में नहीं आता है, उसको नहीं मिलता, इतना जगह मिलता है। और जो इस तरह का जो उलझुल बकते हैं ना उसको क्यों, क्योंकि सबको बीजेपी सत्ता में ऐसे आई है, ऐसे ही उलझुल बातें करके आई है सत्ता में। बीजेपी सत्ता में तो यहाँ सब वैसे ही आते हैं।